ऐड करना चाहूँगा तो पहले तो ये कहूँगा कि जो भी ये चीज़ ये इंटरव्यूज़ देख रहे हैं वो ये बात से एग्री करेंगे कि बच्चों में भगवान और बच्चों में अल्लाह छुपा हुआ है, और ये टैलेंट को देखकर ये बात दोबारा साबित होती है कि इतनी डिवाइन कनेक्शन जो बच्चों में हमने देखा है वो अल्फाज में, वो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। और जिस तरह से हमने बच्चों से बहुत कुछ सीखा है, आज 700 हिट गाने देने के बाद भी मैं बच्चों से सिर्फ सीख रहा हूँ, और ये सीख रहा हूँ कि भाई इतना ग्रेट टैलेंट तो बस ऊपर वाला ही दे सकता है, और वो अल्लाह के रूप में, भगवान के रूप में जो बच्चों में हमें देखने को मिला है, मेरी ज़िंदगी बन गई है। मैं इतना हंसा नहीं हूँ इतनी लाइफ में कभी, मैं इतना खुश नहीं हुआ इन आज तक जितना मैंने इन बच्चों को देखकर जो सुकून पाया है, जो मज़ा आया है और बहुत कुछ सीखा है। एंड मैं एक बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूँ कि सलमान भाई के साथ एक जो आगे के लिए कुछ गाने फाइनल किए हैं उसमें से एक गाना बच्चों के लिए बहुत कमाल है, और इसके सारे गामापा के विनर को डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि वो गाना वो रिकॉर्ड करें हमारे साथ, जो भी विनर होगा, और कमाल का विनर हमें मिले बस ये दुआ कीजिए। और एक बात जो और सीखी और जो फील की, जो महसूस की, अगेन आप देखने वाले सभी इससे रिलेट कर सकते हैं कि माता पिता के चरणों में होते हैं भगवान, ऑल मम्मीज एंड ऑल डैडीज इक्वल टू ईश्वर अल्लाह रहा। अगर आपसे पूछा आपका पहला रियलिटी शो है और ऐसा लग रहा है कि बच्चों के साथ रह के आपके अंदर का भी बच्चा शायद जाग गया, मेरे अंदर का बच्चा हमेशा ही जागा हुआ रहता है। मैं आई ऑल्सो फील लाइक अ लिटिल चैम्प ओनली, और फॉर मी आई थिंक लाइफ इज़ ऑल अबाउट बीइंग हैप्पी, खुश रहना चाहिए, मज़े करने चाहिए। बट हाँ, लिटिल चैम्प्स के साथ और मज़ा आता है, हम लोग और मज़े कर रहे हैं और हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, रो भी रहे हैं, पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं, बहुत मज़ा आ रहा है आई थिंक। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो टैलेंट आया है इस बार सारेगामापा में वो इतना अमेजिंग है, इतने ज़्यादा टैलेंटेड ही ऐसा है। मैं आई एम वेरी हैप्पी गो लकी, और मैं बच्चों जैसी हमेशा ही रहती हूँ, शायद मैं जब 60 साल की हो जाऊँगी, 80 साल की हो जाऊँगी तब भी ऐसी ही रहूँगी। बट हाँ, ये जाहिर सी बात है बच्चों के साथ रह के आप बच्चे बन जाते हैं, तो लिटिल चैम्प्स के साथ बहुत ही मज़ा आ रहा है, और हम लोग खेल रहे हैं, गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, रो भी रहे हैं। सारेगामापा लिटिल चैम्प्स इतनी ज़्यादा वैरायटी देता है इमोशंस की कि बहुत बहुत खुशी हो रही है। ऑल्सो आई नॉट टू फॉरगेट कि मैं एक पार्टिसिपेंट से अब एक जज बन गई हूँ, विच इज़ अ ह्यूज थिंग फॉर मी। आई थिंक मैं थैंकफुल हूँ भगवान की कि मुझे वहाँ से वहाँ ले आए। इट्स अ बिग थिंग फॉर मी एंड आई एम थैंकफुल टू सारेगामापा फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस शो एज अ जज, जो कि बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए, और वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। अब सबसे एक सवाल बनता है कि ऑलरेडी 4 सिंगिंग रियलिटी शोज है, मतलब इस वक्त ये टेलीविजन पे, सो हाउ इजी और हाउ कॉम्पिटिटिव द मार्केट इज आपके हिसाब से? मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, टीआरपी सबका फैसला कर देती है, और अगर बात लाइकेबिलिटी की है, टीआरपी की है, तो उसका फैसला तो हो ही जाएगा अगले महीने जब हम 25 तारीख को आएंगे। तो डेफिनेटली हमें ये लगता है कि सारे रियलिटी शोज से ये शो टीआरपी में ऊपर जाएगा, और इसीलिए जाएगा क्योंकि ग्रेटेस्ट टैलेंट बच्चों के रूप में हमें मिला है, और जो जजेस की केमिस्ट्री है, जो जी के साथ हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है, और एक ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एक यहाँ पे ना वो ऊपर वाले का कोई एक आशीर्वाद हमें मिल चुका है, जिससे कि मुझे ये लगता है पर्सनली, जो मैं ऐसे डायरेक्टली टीवी पे बोल रहा हूँ, कि ये शो आउटस्टैंडिंग बना हुआ है, इतना कमाल बना हुआ है, और मुझे इतना मज़ा आया। इतने दिनों बाद मैं यूजुअली इतना हंसता नहीं हूँ, लेकिन इतना हंसा हूँ कि अब मज़ा आ गया है। तो एक एंटरटेनिंग, फैंटास्टिक म्यूज़िक, ग्रेटेस्ट टैलेंट, भगवान के दर्शन, साक्षात दर्शन बच्चों के रूप में, ये सब कुछ देखने को जो मिल रहा है, एक कमाल का माहौल, एक धमाल, माने धमाल है, मस्ती है, एंटरटेनिंग है, लेकिन एंटरटेनिंग के साथ ग्रेट टैलेंट, ये सब कुछ एक रियलिटी शो में। सारेगामापा मंच का जो स्लोगन है, मैं ये कहूँगा कि इस मंच पे नहीं गाया तो क्या गाया, वो बात इन बच्चों के साथ मुझे बिल्कुल, मुझे अंदर से फील हुई तो मैंने ये बात कह दी,
अब ये बात सच साबित होती है कि नहीं, ये वक्त ही बताएगा। जावेद जी और नेहा, आप इसके बारे में क्या कहेंगे, जो कंपटीशन है मार्केट में? कंपटीशन जो है, मुझे ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली क्या होता है कि कितना भी कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आप अगर टैलेंट अगर है तो वो बाजी मार जाता है। और मुझे इतना यकीन है और इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि सारेगामा पर लिटिल चांस पर जो कॉन्फिडेंस जो टैलेंट आया है, ऐसा टैलेंट मैंने पहले कभी नहीं देखा। और बच्चे मतलब ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कि एक ही जॉनर आप सुन रहे हैं। देखिए ऑडियंस में क्या होता है कि कई लोगों को रोमांटिक गाने ज़्यादा पसंद होते हैं, कई लोगों को क्लासिकल पसंद होता है, कई लोगों को फोक म्यूज़िक पसंद होता है, और कई लोगों को थोड़े से हिप हॉप गाने पसंद होते हैं, रैप पसंद होता है कई लोगों को। तो इन सभी जॉनर्स का एक पूरा मिक्सचर हमारे टॉप 15 जो कंटेस्टेंट हैं उनको उनमें देखने को मिला है, और उसी हिसाब से हमने बच्चे चूज़ किए हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि ना 100,000 बच्चों में से अगर 15 चुनेंगे तो कितना नाप तोल कर उनको जज करना पड़ेगा। बट बहुत ही मज़ा आया, और जैसे कि एचआर ने कहा, नेहा ने कहा कि हम बहुत कुछ सीख रहे हैं इनसे। बच्चों के अंदर नेचुरल टैलेंट होता है। क्या होता है, आज के बच्चे ऐसे नहीं कि उनको कुछ सिखाया जाए, यार तुम यहाँ बैठो, तुम ये साह लगाओ, वो है, लेकिन क्या होता है, उनके नेचुरल टैलेंट को एक दिशा की ज़रूरत होती है। तो वो हमारी टीम 30 जूरी मेंबर्स हैं, सब लोग एक साथ उनको गाइड करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस शो के ज़रिए बहुत ही कमाल कमाल आर्टिस्ट फ्यूचर में हमको सुनने को मिलेंगे, और जो भी विनर बनेगा उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, बहुत सारी दुआएं मिलेंगी, और कमाल होगा मतलब। और मैं एक और बात कहना चाहूँगी, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि आपने जैसा पूछा कि ये किस तरह से अलग है और रियलिटी शो से हमारा शो, मैं कहूँगी, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप सिर्फ हमारा फर्स्ट एपिसोड एक बार देख लो सारेगामा पा लिटिल चैंप्स का, आप खुद कहेंगे कि ये शो अभी तक जितने भी शोज आ रहे हैं टीवी पे उन सबसे अलग है। उसके लिए आपको फर्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा, एंड फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा शो बेस्ट है। जमाने में कहते हैं ना कि बहुत स्ट्रेस है, स्ट्रेस जितना भी है वो सारे स्ट्रेस आप भूल जाएंगे, इट्स अ स्ट्रेस बस्टर। यस एब्सोल्युटली, माने अपने गम भूल कर धमाल मस्ती, आप लोग मजा आ जाएगा आपको। और उस विनर के लिए प्रे कीजिए जो हमारे सलमान भाई के लिए हमने जो गाना बनाया है उसको वो गाएंगे, और जो फाइनलिस्ट होगा उसे वो बच्चों का गाना जो बहुत ही अच्छा कंपोज हुआ है और सुपर हिट होगा वो गाना वो गा सकेगा। तो आई एम वेरी वेरी श्योर दैट जैसे ही नेहा ने कहा कि फर्स्ट एपिसोड देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि किस लेवल के टैलेंट की हम बात कर रहे हैं। इतने सालों से करता आ रहा हूँ, बहुत अच्छा रहा है, बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा है। देखते देखते 10 साल हो गए, और दिस इज माई, ये मेरा तीसरा लगातार सीजन है सारेगामापा के साथ, और लिल चैंप्स का भी इनफैक्ट तीसरा सीजन है। और जो हमारे जजेस कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि जो टैलेंट इस बार हमें मिला है, और जो 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 नेचुरली ये लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, अब तक इनकी ग्रूमिंग शुरू भी नहीं हुई है और ये लोग इतने ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं। तो आप सोचिए कि इतने सारे महीने जब हमारी म्यूज़िक टीम हिमेश जी, जावेद भाई, नेहा के साथ और 30 जूरी मेंबर्स के साथ जब ये टाइम स्पेंड करेंगे, इनसे सीखेंगे, तो फिर क्या बन जाएंगे। मैं तो I'm already looking forward to the grand finale, जहाँ पर हम इन सब बच्चों के polished versions स्टेज पर परफॉर्म करते हुए नाचते हुए देखेंगे। एंड ऑल इन ऑल genuinely बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है, और जैसा कि हमारे जजेस ने कहा कि आप बस शो देखिए, 25 फरवरी को आप 9 बजे जी टीवी लगाइए, हमारे लिए एक घंटा दीजिए और फिर आप बोलिए। कैसा रहा एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ में काम करने का? मेरा, मैं तो सबसे पहले बता दूं, पता नहीं इन लोगों का कैसा रहा, मुझे नहीं पता, बट मेरा इन दोनों के साथ काम करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आई थिंक रहा है, मतलब हो रहा है। हम लोग
वी आर हैविंग अ बॉल. हाँ, हम लोग बहुत ही मजा कर रहे हैं, हम लोग साथ में हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, मजाके कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ फन कर रहे हैं. और बेस्ट बात यह है कि मैं पहली बार शो जज कर रही हूँ और ये लोग बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, बड़े महान लोग हैं. ये लोग मुझे बिल्कुल ऐसा फील नहीं कराते हैं दैट आई एम अ न्यू कमर जजिंग में. तो ये लोग बहुत ही अमेजिंग एंड आई एम रियली हैप्पी कि मुझे बेस्ट जजेस पैनल मिला है. आजू बाजू में दोनों ही कमाल के बेस्ट जजेस. देखिए, आप लोग तो ये कहेंगे कि इतना मज़ा आ रहा है वो तो सारे सब लोग ही कहते रहते हैं, लेकिन जेन्यूनली आपको हमारी शक्ल पे अगेन फर्स्ट एपिसोड देखते ही या एवी देखते ही या प्रोमो देखते ही समझ में आ जाएगा कि जेन्यूनली कितना मज़ा आ रहा है. हम लोग अंदर अंदर जो इंटरेक्ट कर रहे हैं और वो इंटरेक्शन में कितनी स्ट्रेस को भुलाने वाली मैसेजेस, हंसते खेलते बातें निकल रही है. इतनी माने अगर आपको धमाल खुशी से हंसना है तो भी हमारा शो देख लीजिए, क्योंकि हंसने में भी स्ट्रेस दूर होता है, डॉक्टरों को बुलाना नहीं पड़ता और कमाल कमाल की उसमें बच्चों से हम लोग सीखते रहते हैं और बच्चों से ज्ञान लेते रहते हैं कि वाह. और इतना हंसी, इतनी मजाक, सब कुछ एंजॉय करते रहते हैं. और हमारे जादू भैया तो वो बहुत ही कमाल है इसमें. जादू भैया के लिए मैं कहूँगा कि जादू भैया मम्मी वाले इनका नाम रखा है. अच्छा, वो आपको देखना पड़ेगा. ये हमारा जो नाम दिया है इन्होंने, ये जादू भैया मम्मी वाले इतना कमाल का एचआर की तरफ से क्यों आए, वो आप देखो और आपको मजा आ जाएगा, फिर पता चलेगा.